अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। आज हम बनाएंगे आलू और परवल की सब्जी, जिसके लिए मैंने ये दो आलू लिए, उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और उनको धो के ले लिया है। ये मैंने परवल लिया, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से चाकू से छील लिया था। एक प्याज लिया, इसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। तीन टमाटर लिए, इनकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। ये मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। हम चलते हैं परवल को फ्राई करने के लिए। गैस से मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल को गर्म होने के बाद हम इसके अंदर आलू और परवल को फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर ये आलू और परवल को साथ में डाल दूंगी। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी फ्राई कर सकते हो। मैंने गैस को मीडियम रखा है, मैं इनके अंदर ये आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ जिससे कि जल्दी पक जाए। अब हम इन्हें करीब 6 से 7 मिनट तक ढक के पकाएंगे मीडियम गैस पे। हम इनको एक बार चेक कर लेते हैं, इन्हें कुक होते हुए करीब 6-7 मिनट हो गई हैं, 2 मिनट हो गए हैं। एक बार हम देख लेते हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। मैंने इसे चक्कू से चेक कर ली थी, ये देखिए हमारा चक्कू आसानी इसके अंदर घुस रहा है। बस हमें पकाना है इनको। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। ये हमारा काफ़ी सारा तेल बच गया है, मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है सब्जी में। ये मैंने इसके अंदर से ज़्यादा तेल निकाल दिया था, बस मैंने इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून तेल रखा है क्योंकि हमने आलू और परवल को भी तेल में फ्राई किया था, इससे काफ़ी सारा तेल हो जाएगा सब्जी में। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जीरा, क्योंकि हमारा तेल पहले से भी काफ़ी गर्म था। जैसे ही हमारा जीरा पक जाएगा हम उसके अंदर डाल देंगे प्याज। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये प्याज, मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया था। मैं प्याज को सुनहरा रंग तक पकने देते हैं। प्याज को हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ये अदरक और लहसुन, इनको मैंने कूट लिया था। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी ले सकते हो। ये हमारे प्याज अदरक लहसुन अच्छे से पक गए, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर से। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हल्दी। हल्दी को हम कुछ सेकंड्स के लिए इसके अंदर भून लेंगे। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाली है, इसको 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर की प्योरी जो हमने पीस लिए हैं, 3 टमाटर लिए थे वो। और हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि साइड में से तेल ना निकलने लग जाए। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर और साथ में ही 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे क्योंकि हमने नमक आलू और परवल को फ्राई करते टाइम भी डाल दिया था। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिला देते हैं एक बार और हम इसे ढक के करीब 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मसाले साइड में से तेल ना छोड़ने लगें। हमारे मसालों को भूनते हुए करीब 6 से 7 मिनट हो गए। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, इन्होंने साइडों में से तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर ये सब्जी डाल देती हूँ, मिला दें इसको। अगर आप सब्जी को सूखी खाना पसंद करते हैं तो इस टाइम पर इसे 4 से 5 मिनट या फिर जब तक कि आलू अच्छे से पक ना जाए जब तक इसे पका लें और लास्ट में इसे गर्म मसाला डालकर 1 मिनट के लिए पका लें और फिर बाद में गैस को बंद कर दें। अगर ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो इस टाइम पर इसमें करीब 1/2 गिलास से ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल दें। अब हम इस सब्जी को ढक के 6 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने देते हैं या जब तक कि हमारे मसालों में से फिर से साइड में से अच्छे से तेल ना दिखने लग जाए। हमारी सब्जी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गई है। ये देखिए हमारी सब्जी का कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, मैं इसे एक बार मिला देती हूँ। देख गरम मसाला मैंने इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला डाला है। गरम मसाला डालने के बाद मैं गैस को बंद कर देती हूँ और हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारी आलू और परवल की गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है, तो सोचिए खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी।
अगर आपको मेरी आलू परमल वाली रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।